नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग किसी भी कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड किस प्रकार डिजाइन करेंगे एमएस ऑफिस के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये एक आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है। तो यही मैं इस तरह से आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड डिजाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी आप सभी के लिए मैं लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को अपने कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस ओपन कर लेना है। एमएस ऑफिस ओपन करने के बाद में आपको यहाँ सर एक न्यू पेज क्रिएट कर लेना है। तो न्यू पेज क्रिएट करने के बाद में फ्रेंड्स, आपके सामने इतना बड़ा ये इंटरफेस शो होकर आने लगेगा पेज का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए पेज लेआउट के अंदर जाना है और हमें पेज की सेटिंग करनी है। तो पेज लेआउट में आने के बाद फ्रेंड्स, आपको मार्जिन पर जाना है और यहाँ से आपको नैरो वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको साइज पर जाना है। साइज पर जाने के बाद में मोर पेपर साइज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ ब्रेथ के अंदर आपको डाल देना है 3.2 और फ्रेंड्स हाइट के अंदर आपको डाल देना है 2.1। इतना डालने के बाद में फ्रेंड्स, आपको यहां से इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास ये आईएनडी कार्ड का एक पेज का लेआउट यहां पर रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हमें क्या करना है, इसके अंदर हम आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद में फ्रेंड्स, आपको सेव पर आना है और एक यहाँ से ये वाला सेव आपको ले लेना है और यहाँ से आपको इसको ड्रॉ कर देना है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसको यहाँ से पकड़कर थोड़ा ऊपर कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में इसको इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर कलर करना है। तो कलर करने के लिए यहाँ पर सेव फील पर जाएंगे हम और यहाँ से हम एक रेड कलर ले लेंगे। रेड कलर लेने के बाद में फिर से हमें इसके सेव फील पर जाना है और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ से कोई सा भी आपको एक जैसा आप जो आपको अच्छा लगे वो आप बाल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इतना होने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है शेप आउटलाइन पर और इसको नो आउटलाइन कर देना है। इतना करने के बाद में हमें इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए फ्रेंड्स, आपको इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद में आपको वर्ड आर्ट पर जाना है और यहाँ से पहले ही वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना और इसके अंदर आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देना है। स्कूल का नाम लिखने के बाद में फ्रेंड्स, आपको यहां से इसको ओके कर देना है तो आपका यहां पर ये एक लिखकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद में फ्रेंड्स, आपको यहां पर जाना है फिर से और इसको इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसको उठाकर यहां से यहां पर आपको ले आना है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें कलर करना है। तो कलर ये वाला हमें यहाँ पर जाएंगे सेव फील पर और यहाँ से हम येलो कलर ले लेंगे और आउटलाइन वाले पे जाएंगे और नो आउटलाइन इसको यहाँ से कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह का आपका ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से हमें इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद में वर्ड आर्ट लेनी है। वर्ड आर्ट लेने के बाद में हमें फर्स्ट वाला टैक्स लेना है और यहाँ पर हमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लिख देना है। इतना लिखने के बाद में फ्रेंड्स, हमें इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो यहाँ से हम पकड़ के इसको छोटा कर देंगे और फ्रेंड्स, इसको भी हमें यहाँ पर जाने के बाद में इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर देना है और ताकि ये ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब इसको हमें इसके नीचे अच्छे से सेट कर देना है और थोड़ा बड़ा है तो फ्रेंड्स, इसको हमें थोड़ा और छोटा करके इसके नीचे अच्छे से लगा देना है। सेट करने के बाद फ्रेंड्स, अब मैं इसका फिर से यहाँ पर आपको इसके कलर यहाँ से जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो यहाँ से नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पर मोर फील कलर पर जाएंगे और कोई सा भी यहाँ से आप अच्छा सा जो भी कलर लगे आपको वो यहाँ से आप ले सकते हैं। कलर लेने के बाद में आउटलाइन सेप पर जाएंगे और नो आउटलाइन यहाँ से कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इतना बन के हमारा ये रेडी हो जाता है। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए हमें इंसर्ट पर जाएंगे और सेस पर जाना है और ये गोल वाला यहाँ से आएगा ना, हमें लेकर यहाँ पर एक ड्रॉ कर देना है। अब फ्रेंड्स, इतना ड्रॉ करने के बाद में हमें सेव फाइल पर जाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर, इस पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपके स्कूल का लोगो आपने रख रखा होगा वहाँ से आप उस लोगो को सेलेक्ट कर इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका लोगो बनकर रेडी हो जाएगा। तो इतना काम फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर रेडी हो जाता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से इंसर्ट पर जाना है, फिर सेप पर जाना है और यहाँ से नीचे आकर हमें ये वाला सेप एक ले लेना है और यहाँ पर नीचे हमें इसको ड्रॉ कर देना है। इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, नीचे वाली लाइन हम इसको नीचे कर देंगे उसके अंदर और इस तरह से इधर भी।
तो हमारा ये ड्रॉ आया था फ्रेंड्स, हमें इसके अंदर कलर करना है। तो अब यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मुझे याला अच्छा लग रहा है तो मैं याला यहाँ से कलर ले लेता हूँ। अब इसकी आउटलाइन है फ्रेंड्स, आउटलाइन पर जाएंगे हम, आउटलाइन पर रेड कलर देंगे। रेड कलर लेने के बाद में फिर से हम आउटलाइन पर जाएंगे। हमारी आउटलाइन थोड़ी पतली है तो यहाँ से हम इसको थोड़ा मोटा कर देंगे। इतना करने के बाद में फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इसका पेज के अंदर का बीच का भी कलर हमें बदलना है। तो फ्रेंड्स हम जाएंगे यहाँ पर पेज लेआउट पर, जाने के बाद में हमें यहाँ पर आ जाना है पेज कलर पर। और यहाँ से आप कोई सा भी एक कलर ले सकते हैं, लेकिन कलर नहीं लेने के बाद में फील इफेक्ट पर जाना है आपको। और यहाँ से हमें टू कलर सेलेक्ट करने के बाद में फर्स्ट वाले में हमें येलो ले लेना है, सेकंड वाले में हमें रेड ले लेना है, और यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह का ही आपका सो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हमें इसके अंदर अपनी पिक्चर लगानी है, तो इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद में सेस पर जाना है, और यहाँ से हमें कोई सा भी एक रेक्टेंगल ले लेना है, और यहाँ पर इसको हमें ड्रॉ कर देना है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद में फ्रेंड्स फिर से हमें यहाँ पर जाना है सेव फाइल पर, पिक्चर पर जाना है, और अपना फ़ोटो हमें यहाँ पर लगा देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये फ़ोटो भी लग जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, तो हमें इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद में सेव पर जाएंगे, और यहाँ से हम एक टेक्स्ट का बॉक्स यहाँ पर हमें ड्रॉ कर देना है। इतना करने के बाद में फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें ऊपर आना है। ऊपर यहाँ पर हमें लाइन दिख रही है अपनी, तो यहाँ पर हमें एक चेक मार्क लगा देना है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेंगे लिखने के लिए। यहाँ पर जाना है हमें और थोड़ा साइज यहाँ से छोटा कर लेना, और यहाँ पर फर्स्ट में हमें अपना नाम लिखना है, तो नेम लिख देंगे। नेम लिखने के बाद में फ्रेंड्स हमें टैब का इस्तेमाल करना है। टैब का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमने यहाँ पर एल जो लगाया है ये सिर्फ वहीं पर सीधा जाकर रुकेगा, और यहाँ पर हमें डबल बिंदु लगा के अपना नाम यहाँ पर आगे को लिख देना है। फिर एंटर करना है, फिर हमें फादर नेम लिखना है, तो फादर्स नेम लिख देंगे। फादर्स नेम लिखने के बाद में हमें टैब पर प्रेस करना है, और फिर से हमें पिताजी का नाम यहाँ पर अपने डाल देना है। अब फ्रेंड्स ये हमारा इसके अंदर डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आना है, और इसको यहाँ से ऊपर कर देना है। तो फ्रेंड्स फिर हमें यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। फिर एंटर करना है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर आपको अपना क्लास लिख देनी है। फ्रेंड्स फिर हमें यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आना है, फिर से इस पर डबल क्लिक करना है इस पर, और फॉर्मेट पर जाना है। फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ पर हमें सेव फील पर जाने के बाद में हमें यहाँ से इसको नो फील कर देना है, और आउटलाइन पर जाकर भी हमें नो आउटलाइन कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अगर ये टैक्स आपका छोटा लग रहा है आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सिलेक्ट करने के बाद में होम पर जाकर यहाँ से हल्का सा हम इसको बड़ा कर देंगे। फ्रेंड्स इतना हमारा ये रेडी हो जाता है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर फिर से इंसर्ट पर जाना है, सेव पर जाना है, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स लेना, और यहाँ पर हमें इसको ड्रॉ कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जगह कम बैठ रही है, तो इसको सिलेक्ट कर हमें यहाँ से इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट पर जाने के बाद में हमें इसको यहाँ से रोटेट कर लेना है। अब ये हमने जो बॉक्स बनाया है इसको यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसको, और यहाँ पर नहीं जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जाना है सेफ आउटलाइन पर, और नो आउटलाइन कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें फिर से इंसर्ट पर जाना है, और वर्ड आर्ट पर जाना है, यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर हमें लिख देना है सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल। इतना लिखने के बाद में फ्रेंड्स आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आप फिर जाएंगे, और इसको इन फ्रंट ऑफ टैक्स करेंगे, और यहाँ से इसको पकड़कर नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद फ्रेंड्स ये बड़ा हो रहा है, तो हम यहाँ से इसको छोटा कर देंगे, इसके साइज को थोड़ा और छोटा करेंगे। अच्छे से यहाँ पर हमें इसको छोटा करके सेट कर देना है। अब फ्रेंड्स इस पर हमें डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इसको नो सेव कर देना है। यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा कलर कोई सा भी दे सकते हैं आप, येलो कलर दे देता हूँ मैं, और यहाँ पर
नो आउटलाइन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स हमें फिर से यहाँ पर अपने वर्ड आर्ट पर जाना है, इंसर्ट पर जाना है सॉरी फ्रेंड्स, और यहाँ से वर्ड आर्ट यहाँ पर आपको इंसर्ट कर लेना और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। अपना एड्रेस लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इसको ओके कर देना है और फ्रेंड्स फिर से आपको यहाँ पर जाना है और इन फ्रंट ऑफ टैक्स करना है और इसको यहाँ से उठाकर हमें यहाँ नीचे ले आना है और एडजस्ट इसको यहाँ पर हमें कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपको यहाँ पर जाना है और नो आउटलाइन इसको कर देना है। तो फ्रेंड्स इतना बनकर हमारा रेडी आया था। अभी फ्रेंड्स इसके अंदर हमारी एक कमी रह चुकी है, तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड लिखना भूल चुके हैं। तो यहाँ पर हम फिर से हमें इंसर्ट पर जाना है, इंसर्ट पर जाने के बाद में सेव पर जाना है और यहाँ से फ्रेंड्स ये टैक्स वाला जो है ध्यान रखना, ये टैक्स वाला आपको यहाँ से लेना है और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसके अंदर लिख देना है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड लिखने के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये हाइड हो गया, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और नीचे को बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद में आइडेंटिटी कार्ड लिखवा तो फ्रेंड्स हमें इसको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है थोड़ा सा। इसका हमें यहाँ से होम पर जाकर इसका स्टाइल फॉन्ट्स हमें यहाँ से इसका बदल देंगे। इतना करने के बाद में फ्रेंड्स अब यहाँ पर फिर से हमें इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में सेव पर जाएंगे और यहाँ पर नो फील और फ्रेंड्स फिर यहाँ पर सेव आउटलाइन पर जाएंगे और नो आउटलाइन यहाँ पर कर देना है। इतना करने के बाद में इसको हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अच्छे से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब फ्रेंड्स यह हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी मैं आप सभी के लाता रहूँ। और फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।